ला 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 हे यहाँ। आपने देखा कल हम गेट न्यू गए थे, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। कल शाम को हम ओटवा के होटल डबल ट्री में आके रुके। ये एक छोटी सी क्लिप देखिए डबल ट्री होटल की। ये बालकनी का रास्ता है। ओहो, सो ब्यूटीफुल। ये सब डबल ट्री होटल है, पूरा बहुत बड़ा होटल है। हम जाएंगे यहां से ओटवा की मार्केट। शॉर्ट आइटनरी फॉर टुडे। उसके बाद हम जाएंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में घूमने के बाद हम मोस्ट लाइकली रिड्यू कनाल से, जहाँ पे इनके लॉक डोर्स हैं, 3 to 10 डोर्स हैं इनके लॉक हुए हुए, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे पानी है, वहां से हम बोट लेंगे। एक जैट डाइनर करके है, इट्स अ लोकल प्लेस ओवर हियर अराउंड हियर, तो वहां पे हम खाएंगे आज पैनकेक वगैरह। विवर्ड मार्केट जा रहे हैं वहां। होटल कैसा लगा पहले? बहुत अच्छा। हम आ चुके हैं बॉयवर्ड मार्केट। बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, सारे पैटियोज, रेस्टोरेंट, कई स्टोर्स, इंडियन कुजीन, सब कुछ है यहाँ पे। कितने पैसे है पार्किंग के? $1.50 आधे घंटे। अच्छा, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, सब कुछ फ्रेश मिलता है, और फार्म फ्रेश के नाम से ये स्टेट काफी फेमस है। अब हम खाने जा रहे हैं एक कैनेडियन डिजर्ट, देखिए। दिखाओ जरा क्या लाए हो। वाह जी वाह। ओहो, व्हाट अ डिलीशियस टेस्ट। अब मार्केट घूमने के बाद थोड़ा सा दिल कर गया कि हम अब ई स्कूटर लेते हैं और ई स्कूटर पर थोड़ी राइड करेंगे, ओटवा के आसपास घूम के आएंगे, दिखाते हैं आपको, देखिए। आगे जाके एक भुट्टे वाला, यानी कि कौन वाला, छल्ली वाला बैठा है, जिसका बहुत फेमस है और लोग अच्छा उसको पसंद करते हैं। हम भी चलते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। देखो गाइस, ये भुट्टा भुना हुआ उन्होंने रखा हुआ, मशीन से निकाल रहे हैं। वेरी लिटिल स्पाइस।
take a picture and then you make it meanwhile, right? Yes. Okay. So how much for both? In one picture. $30? Yes. Thomas, say again. Suppose if this is the thing, yes. Right? Yes. It's just me, yes. Single person. Yeah. And this side you can write the name. Oh. Green tea? Yeah. Yeah? Do you want green tea? Yeah, what's the price on that? $160. एक बज गए तो अब चल के लंच कर लेते हैं और लंच के बाद फिर आगे और घूमेंगे और देखते हैं क्या है। बाहर बैठ रहे हैं पैटियो में, अच्छा लगता है। लंच बहुत अच्छा था, टेस्टी था। लंच हो गया, अब आगे चलते हैं। हम जाएंगे यहाँ से पार्लियामेंट। ये गाइस पार्लियामेंट स्ट्रीट है, आप दूर से देख रहे होंगे, हम पार्लियामेंट जा रहे हैं। पूरी कनाडा की पार्लियामेंट यही है। पार्लियामेंट ऑफ कनाडा बिल्ड ऑन July 1, 1867। हिस्ट्री के हिसाब से इसकी जो सेंटर की बिल्डिंग थी वो अंदर से जल गई थी पूरी तरह से ऑन 3 फरवरी 1916 को। बस एक लाइब्रेरी बची थी अंदर। दस बजे मॉर्निंग में यहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है, वो तो हम देख पाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। ये जो आपने अभी सीन देखा ना, गोल सा जो जोत जल रही है, ये सेंटेनियल फ्लेम है। इसमें 10 प्रोविंस और 3 शील्ड है, जिसमें एक हमारी टोरंटो की भी है। आइए देखते हैं। लोग यहाँ आके इसके आसपास बैठते हैं, इसको देखते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और इसमें कॉइन्स फेंकते हैं, कहते हैं गुड लक है, गुड लक मतलब अच्छा होता है। और जो ये पानी चल रहा है, ये पानी सर्दियों में भी नहीं जमता, इसकी ये खासियत है। यस, अब हम आ गए हैं रेडियो कनाल। ये जो कनाल है ये ओटवा सिटी को और ओंटारियो लेक को आपस में कनेक्ट करती है। इस कनाल को एक सिक्योर पैसेज के हिसाब से बनाया गया था इन केस ऑफ वॉर विद यूएसए। ये कनाल जो है ये नेशनल हिस्टोरिक साइट है, कनाडा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कनाल किंगस्टन सिटी में सेंट लॉरेंस रिवर को भी कनेक्ट करती है। इतनी लंबी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 200 किलोमीटर लंबी। ए, हम ऊपर से आए हैं, बिल्कुल पानी के लेवल तक आ गए हैं।
बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ बैठ के इतना अच्छा लगता है। में जो डोर्स हैं आज भी वो वुडन है और वो मैनुअल ऑपरेटेड हैं, जो खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ पे वाटर टैक्सी भी बहुत फेमस है, वाटर टैक्सी भी एक दूसरे साइड को कनेक्ट करती है। हम गए थे लेकिन बैड लक, और ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल होती है। हम वाटर टैक्सी के लिए गए क्रूज करने के लिए, लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिली। उन्होंने कहा टिकट्स ऑनलाइन ही मिलेंगे सिर्फ। हमने सोचा हमें जाके टिकट्स हम वैसे ले लेंगे, लेकिन वैसे उन्होंने टिकट्स नहीं दी, बैड लक। इसलिए हम वाटर टैक्सी का प्रोग्राम जो है कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं ये फेयर माउंट होटल है, बहुत बड़ा ओटावा का और 5-स्टार होटल है। ये बिल्कुल रेडियो कनाल के साथ में है, आप वहां खड़ोगे वहां से देख सकते हैं। ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं जिसमें बसेस चल रही हैं, इसका नाम विलिंगटन स्ट्रीट है, और ये साथ में ही इसके डाउनटाउन भी है। देखा आपने, मैंने आपको पूरा ओटावा दिखाया। ये ओटावा की सीरीज 2 एपिसोड में बनी है, जो दोनों आपको मैंने अलग अलग में दिखाया। 6:30 बज गए हैं और आज हमारा सेकंड डे है। कल भी काफी घूमे, आज भी काफी घूमे, अब हम लेकिन हम वापस जाएंगे। अब हमें वापसी भी जाना है, टोरंटो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, ड्राइव करके जाना। रात को 12 बजे तक ही पहुंचेंगे और ऑलमोस्ट शाम 7 बज गए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे हम सफर चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय माता दी, जय गुरु जी, बाय बाय, एंड स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। कैसा लग रहा है ओटावा? लाइट जली हुई रात को।